तो देखिए, सभी सीएसपी संचालक या ईपीएस संचालक को ये डिटेल देना पड़ेगा, इस फॉर्म को फिल करके सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप लोग इस सर्विस का उपयोग करते हैं तो आप लोग को ये डिटेल देना देखिए कंपलसरी है। अदरवाइज इन फ्यूचर आप लोग को जो सर्विस प्रोवाइड की गई है उसे स्थगित की जा सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक बहुत ही गजब का अपडेट देने वाला हूँ जिसे आप लोग को फील करना कंपलसरी है। तो है गाइस, स्वागत आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अपडेट है वो स्पाइस मनी सीएसपी से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपके पास पे नियर बाई का रिटेलर आईडी है, पे नियर बाई का भी सीएसपी है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी जो अपडेट स्पाइस मनी में आया है सेम टू सेम आने वाले समय में आप लोगों को पे नियर बाई में भी ये अपडेट देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी है और जरूरी है। ये अपडेट डायरेक्टली एक्सिस बैंक की तरफ से आया है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि पे नियर बाई और स्पाइस मनी में लोगों को अकाउंट ओपनिंग का सर्विस मिला है, जहां से लोग एक सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, दोनों अकाउंट यहां से ओपन कर सकते हैं, जिसके बदले में कमीशन भी बीसी को दिया जा रहा है। तो डायरेक्टली बात करें तो एक्सिस बैंक ने यहां पर पे नियर बाई और स्पाइस मनी रिटेलर को यहां पर बीसी बैंक बीसी बना दिया है। तो जो देखिए यहां पर अपडेट है स्पाइस मनी की तरफ से है कि जैसे ही स्पाइस मनी रिटेलर अपने स्पाइस मनी आईडी को ओपन करते हैं, उन लोगों के सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप शो हो जाता है जिसमें लिख करके आता है, डू यू नो दिस शॉप एड्रेस इज कंपल्सरी टू एक्सेस करेंट एंड सर्विस अकाउंट लाइन। ठीक है, प्रोसीड लिखा रहता है नीचे, और इसके बाद लिखा रहता है प्रोवाइड टू फ्यू डिटेल्स टू गेट स्टार्टेड, यानी कि आप इस सर्विस को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को फ्यू डिटेल आप लोगों को देना है, कुछ डिटेल्स देना है अपने लोकेशन से रिलेटेड। ठीक है, और आपका जो शॉप का एड्रेस है उसे यहाँ पर कंपलसरी बोला गया है। देखिए क्या है पूरी माजरा, मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ जो भी आपके मन में डाउट होगा। देखिए, एक्सिस बैंक डायरेक्टली आप लोगों को अपना बैंक बीसी बनाया है। देखिए, बैंक बीसी का एक रूल होता है, देखिए जहाँ पर भी जिस पिन कोड में आप लोगों को एक बैंक का बीसी दे दिया गया है, यानी कि एक्सिस बैंक का जिस पिन कोड में एक बैंक बीसी दे दिया गया है, वहाँ पर दूसरा बैंक बीसी नहीं मिलेगा उस पिन कोड में। ठीक है, मिलेगा तो किसी दूसरे पिन कोड में मिलेगा, या फिर जहाँ पर बैंक अकाउंट, जहाँ पर बैंक है एक्सिस बैंक का, उससे कहीं दूर दूसरे पिन कोड में मिलेगा। तो उसके अनुसार देखिए, आप जिस पिन कोड में आप लोग काम कर रहे हो, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, ठीक है, जितना भी आपका पिन कोड है, सारा डिटेल यहां से जब ले लिया जाएगा तो दोबारा से एक्सिस बैंक में उस पिन कोड के लिए, स्पेसिफिक उस पिन कोड के लिए कोई दूसरा कोई बैंक बीसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसी लिए जो एक्सिस बैंक है ये अपडेट आप लोगों से मांग रहा है, क्योंकि देखिए जितने भी बैंक बीसी है उन सभी को मैपिंग भी जरूरी है, जैसे कि एक्सिस बैंक अपने एरिया में अपने मैप में मैपिंग भी कर सके कि यहाँ यहाँ पर हमारे बैंक के बीसी हैं। ठीक है, इसीलिए ये अपडेट आया है। तो अगर आप लोगों के पास अगर सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन मिला हुआ है स्पाइस मनी में, तो आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करके कुछ बेसिक डिटेल देना है, कोई भी बहुत बड़ी डिटेल आप लोग को नहीं देना है। बेसिक डिटेल क्लिक करके आप लोग यहाँ फिल करके आप लोग इस फॉर्म को देखिए सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो इन फ्यूचर में जो आप लोग का अकाउंट ओपनिंग का मिला है, आप लोग को सर्विस मिला है, बैंक बीसी आप लोग को बनाए गए हैं, ये सर्विस जो है बंद की जा सकती है। तो आप लोग डिटेल को काफी आसानी से भरें। यहां पर मैं आप लोग को डिटेल फिल करके नहीं दिखा रहा हूं, कुछ बेसिक डिटेल है जिसमें आप लोग को अपने शॉप को लोकेशन देना है, मैप में क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग का यहां पर जो काम है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक, मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से यही अपडेट देना चाह रहा था, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी एक नए अपडेट और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।